दोस्तों आपसे निवेदन है, हर एक व्यक्ति के शरीर की तासीर अलग अलग होती है। हर एक आयुर्वेदिक औषधि सभी के लिए नहीं होती। अगर आप इन आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप अपने डॉक्टर या फिर जानकार आयुर्वेदाचार्य से मिलकर ही करें, अन्यथा आपको इसका नुकसान हो सकता है। और एक बात, आयुर्वेदिक औषधियों के शुद्धिकरण के बाद ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। ओम सूर्य देवताय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube के इस चैनल में। दोस्तों आपको पता है कि मैं इस चैनल पे आपको आयुर्वेदिक पौधों की पहचान करवाता हूँ, साथ में उनके आयुर्वेदिक गुण के बारे में भी आपको बतलाता हूँ। तो दोस्तों उसी कड़ी में आपके सामने लेकर के आया हूँ बहुत ही शानदार और हमारे शरीर को कायाकल्प करने वाली चमत्कारिक दुर्लभ आयुर्वेदिक औषधि। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, यह है जंगली चमेली। इसको वनमालती के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आयुर्वेदिक पौधा दोस्तों, वैसे इसको बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम आपको इसके चमत्कारिक उपयोग के बारे में बतलाएंगे, इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा के ऑन कर दीजिए। साइड में जो घंटे का बटन दिख रहा है इसको भी दबा करके आप ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो आसानी से मिलते रहेंगे और आप इन वीडियो को जल्दी देख पाएंगे, सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, जैस्मिन यानी चमेली का पौधा, यूं तो चमेली की 200 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। बहुत सारे लोग चमेली का पौधा अपने घरों में भी लगाते हैं, जिसमें बहुत अच्छी इनके फूलों से बहुत अच्छी सुगंध आती है, जिसमें उसमें फूलों की 4 से 5 कलियां ही होती है। पर जो आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, इसकी 9 से 10 कलियां होती है। इसके फूल बहुत ही शानदार दिखते हैं, इसके फूलों में बहुत अच्छी खुशबू आती है। यह पौधा झाड़ी नुमा होता है और यह भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यह आपको पहाड़ी इलाकों में आसानी से देखने को मिल जाएगा। अंग्रेजी में इसको जैस्मिनम मल्टीप्लोरम के नाम से जाना जाता है, स्टार जैस्मिन भी कहा जाता है। हिंदी में इसको बालिनी, वनमालती, दंतपत्रा, मराठी में कुंद, कोंकरनी में रान मोंगरी और उड़िया में डाला कोष्टा आदि के नामों से जाना जाता है। वनमालती में बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, एंटीबायोटिक, कॉपर, सोना जैसी प्रचुर मात्रा में इनमें धातु है। चलिए आप जानते हैं इसके आयुर्वेदिक फायदे, आखिर कौन कौन से रोगों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों चेहरे की खूबसूरती को यह निखारता है। जिन लोगों के चेहरे में काले काले दाग धब्बे पड़ जाते हैं या फिर आपको पिंपल्स हो जाते जो ठीक नहीं हो रहे होते, उनके लिए यह औषधि बहुत ही चमत्कार मानी जाती है। उसमें आपको इसकी पत्तियों को अच्छी तरीके से पीस करके उसमें गुलाब जल मिला करके चेहरे पे अच्छी तरीके से मालिश करने से यह आपके चेहरे को निखारती है और यह जो है आपको खूबसूरती प्रदान करने का कार्य करती है। अगर आपके चेहरे पर किसी प्रकार के पिंपल्स हो गए हैं और वह दाग छोड़ गए हैं तो उन दागों को भी निखारने का काम करती है। मुंह के छाले हो जाने पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके मुंह के छाले हो गए हैं, आप इसकी 2 से 3 ताजी पत्तियों को तोड़ करके मुंह में चबा करके इसको थूक दें। यह आपके जो है मुंह के मसूड़ों को मजबूती प्रदान करता है, साथ में छाले को भी ठीक करने में सक्षम मानी जाती है। एशिया कंट्री में दोस्तों इसकी जो पत्ते की चाय पी जाती है, इसको ग्रीन टी के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। इसके पत्तों की चाय पीने से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। वहां पर जिन लोगों को एड्स हो जाता है उनको इसकी ग्रीन टी बना करके पिलाई जाती है, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। नासूर घावों में भी इसके पत्तों का प्रयोग अच्छा माना जाता है। जिन लोगों को गैंग्रीन हो जाता है उनका शरीर गलने लग जाता है, कभी कभी तो उनको अपना अंग जो होता है काटना ही पड़ जाता है। तो दोस्तों यह औषधि उनके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें आपको इसकी पत्तियों के साथ में कम मात्रा में हल्दी मिलाकर के रोगग्रस्त जगह पर लगाने से यह रोग को बहुत जल्दी ठीक कर देती है और यकीन मानिए आपको ऑपरेशन से अंग कटवाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और यह आपके अंगों को चुस्त दुरुस्त करने में कारगर होगी। शुक्र प्रमेय या शुक्र की कमी। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे लोगों में समस्या रहती है कि उनका शुक्र प्रमेय हो जाता है और उनमें शुक्र जो होते हैं वो कमजोर यानी उनकी कमी भी होती है, तो उसमें यह बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। इसमें आपको इसके फूलों को सुखा करके पाउडर बना करके गाय के दूध के साथ में एक चुटकी लेने से शुक्रपात और शुक्र प्रमेय में बहुत जल्द लाभ पहुंचाता है। साथ में कमजोर शुक्र को भी यह बलवान बना देता है। शरीर में होने वाली गांठों के लिए भी यह बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है। एक उम्र के पड़ाव आने के बाद लोगों के शरीर में गांठें पड़ जाती है यानी वहां पर ब्लड जम जाता है, तो दोस्तों यह उन गांठों के लिए बहुत ज्यादा फायदा करता है। इसमें आपको इसकी जड़ को तिल के तेल के साथ में पत्थर में घिस करके जहाँ पर गांठ होगी उस जगह पर लगाने से यह गांठ को उसी जगह पर रोक देती है और जो खून जम गया उस खून को प्रॉपरली संचार करने में मदद करता है और जिससे आपको उन गांठों को निकालने के लिए ऑपरेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और यह जो है बहुत अच्छा तरीके से आपकी गांठ को यह ठीक कर देगी। इसमें आपको इसकी जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों नाक के ऊपर निशान पड़ जाना, नाक से खून जाने पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखने में यह बहुत आता है कि बहुत सारे लोगों के नाक के ऊपर अजीब से दाग पड़ जाते हैं और कभी कभी उनको नाक से खून भी जाता है। आप इसमें नारियल के तेल के साथ में इसकी कुछ पत्तियों डाल करके हल्की आंच में पका लेवे और पत्तियों को निकाल करके फेंक देवे, फिर उसके बाद तेल को जो है नाक के ऊपर लगाने से नाक को स्वस्थ करने में मदद करता है। साथ में नाक पर जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं उनको भी यह
ठीक कर देता है। आंखों की समस्या के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आंखों में सूजन आ जाना, लालिमा, गुहेरी हो जाना, आंखों में जलन होना, इन सभी के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको इसके फूलों को अच्छी तरीके से खरल करके उसमें थोड़ी सी मात्रा में चीनी मिला करके आंख को बंद करके यानी अपनी पलक को बंद करके 15 से 20 मिनट तक के लिए आप उसको लुगदी को अपनी आंखों पर रख दें। यह दोस्तों आंखों की सभी प्रकार की रोगों को दूर करने में सक्षम होती है और यह आपकी आंखों अगर कम दिख रहा तो यह कम दिखने वाली समस्या को भी यह दूर कर देती है। पैरों की उंगलियों के बीच में किंद्री हो जाना यानी एड़ियों के बीच में फट जाना, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 3 लीटर पानी में 15 से 20 पत्तियों को डाल करके अच्छी तरीके से उबाल ले। 1 लीटर पानी जब बच जाए तो इसमें पके हुए पत्तियों को निकाल करके फेंक दे। उसके बाद इसमें जब पानी गुनगुना हो जाए तो अपने पैरों को कुछ समय के लिए डाल के रखे। यह क्रिया आपको आधे से 1 घंटे तक करना है। उसके बाद आप अपने पैरों को अच्छी तरीके से धो करके यानी पोंछ करके उसमें नारियल का तेल लगा करके मोजे पहन करके आप सो जावे। यकीन मानेंगे दोस्तों आपको जो पैरों की जो समस्या है उसको ठीक कर देगा, आपकी जो एड़ियां जो पड़ गई है उनको भी ठीक कर देगा और पैरों को एकदम निखार देगा। और पैरों की जो समस्या होती है, जिन लोगों को समस्या होती है पैरों से जिनमें फटी हुई एड़ियां हो जाती है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है और उनके आपके पैरों को यह खूबसूरती भी प्रदान करने में सक्षम होता है। वैसे दोस्तों यह जो वनमालती का फूल होता है, यह वनमालती का फूल भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। आप अगर भगवान विष्णु को इसका फूल अर्पण करेंगे तो भगवान बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। साउथ की कंट्रियों में दोस्तों इसके जो फूलों की जो माला होती है वह वर वधु को पहनाई जाती है, इसलिए क्योंकि वर वधु में भगवान विष्णु और भगवान लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, इसलिए यह वर वधु के तौर पर इसके फूलों को पहनाया जाता है। दोस्तों वैसे इसका जो पुष्प होता है बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसका फूल भगवान विष्णु को आप जरूर अर्पण करें दोस्तों, यह आपको काफी लाभ देने वाला पौधा होता है। तो दोस्तों आज हमने आपको वन मालती के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में बताया, इसकी मदद से अपने शरीर होने वाले रोगों को ठीक करने का तरीका भी बताया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप ये शेयर वाली बटन को दबा दें जिसमें आप जिस जगह पर सेंड करना चाहते हैं यानी अगर आप अपने सोशल पे सेंड करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार इसको सेंड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑल कर दें जिससे आपको हमारे सभी वीडियो आसानी से मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और आयुर्वेदिक पौधे और उसके आयुर्वेदिक गुण के साथ में। तब तक लीजिए, इजाजत दीजिए, हर महादेव।